हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर आपका पेपर प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, किसी भी पाली में हो, अगर इस 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और ये 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहां मिलेगा, ये सभी बात हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जहां से आप लोग कमेंट करते हैं, तो उस कमेंट बॉक्स में फिजिक्स का 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो है, तो उसे देख लीजिएगा आप लोग। और यहां पे देखिए, जीव विज्ञान का भी वहां पे क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वहां पे वीडियो का लिंक है, तो उसे भी देख लीजिएगा। और रसायन शास्त्र के भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो का लिंक है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में 400 नंबर का यहां पे क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में उसे भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो पहले इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, फिर बाद में जाके यहां पे जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो इस 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। अगर 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये आप लोग पढ़ लेते हैं, तो आपका कोई भी सीटिंग में हो तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो यह हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया जाता है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दृष्टि पटल कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, तो बिल्कुल निर्भर करता है। बी ऑप्शन है चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तो इस पे भी निर्भर करता है। सी ऑप्शन है चालक तार के पदार्थ पे, तो इस पे भी निर्भर करता है, यानी सभी पे निर्भर करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सात नंबर कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, तो 50 HZ है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दस नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा बनता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा,
जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो अष्टक नियम के प्रतिपादक न्यूलैंड्स थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है, तो शॉर्ट सर्किट से होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है, तो 36 कतारों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 36 कतारों को क्या कहते हैं, तो आवर्त कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि सूर्य, यहाँ पे देखिए सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। बायोगैस का भी मुख्य घटक मीथेन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि खाने, यहाँ पे देखिए खाने का सोडा का रासायनिक नाम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि आयरन किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आयरन किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हरी सब्जी में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तड़ित चालक किसका बना होता है, तो तड़ित चालक तांबा का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो कैल्शियम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिफल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिकारक कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर।
23 नंबर प्रश्न है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊष्मा यहाँ पे शोषी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं। यहां पे देखिए, ए ऑप्शन है ग्रहण करती हैं, बी ऑप्शन है त्याग करती हैं, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, तो त्याग करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहां पे देखिए जो अधातुएं होती हैं ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो कैडमियम के छड़ का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन जो कोण होता है ये अपवर्तन कोण के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका का भाग है, ये जंतु कोशिका का भाग नहीं है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी आता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा देखिए यहाँ पे किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे काला हीरा किसे कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है, तो मुख्य प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिप्स
के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न की पीएच स्केल का, यहाँ पे देखिए पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीएच स्केल पर यहाँ पे शून्य प्रदर्शित करता है, तो शून्य किसको प्रदर्शित करता है, तो अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न की टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न की पौधों में मादा भाग क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पौधों के मादा भाग को जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो जो दाल होता है ये इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और लास्ट में आपको काफी अच्छी बात बताने वाले हैं, तो उसे आप लोग जरूर सुनिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपको बताना है कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका प्रतिरोध घटता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए धातु अगर रहेगा, तो धातु के अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, तो ये साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि अंगूर का किण्वन, यहाँ पे देखिए अंगूर का किण्वन करना एक प्रकार का, ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन है, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर का किण्वन करना एक प्रकार का क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 44 नंबर, कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 से 75 बार धड़कता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो सिरका होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध दही में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू और संतरे में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये चींटियों और मधुमक्खियों में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो जो लौह अयस्क है वो कैसा संसाधन है, ये अनवीकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 47 नंबर, कि निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अधातु है, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे देखिए इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन अधातु है, तो यहाँ पे हीरा
क्या है, अधातु है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए 48 नंबर प्रश्न है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है, तो मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर कि रोगियों के नाक कान, यहाँ पे देखिए रोगियों के नाक कान गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में से कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न की किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है, तो आद्र वायु की उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग, यहाँ पे देखिए माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना क्या कहलाता है, तो ये अपवर्तन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न की वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न की वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए वो धनावेशित हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है, तो ओम के नियम में यहाँ पे देखिए जो ताप है ये क्या है, एक अचर राशि है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न कि प्राथमिक रंग कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल, नीला और हरा, ये तीनों क्या है, प्राथमिक रंग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 65% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो छोटा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कम प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो बड़ा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर
62 नंबर प्रश्न है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान तथा वात्पोत्सर्जन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि बैटरी अम्ल है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो सांद्र H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी कहलाता है, तो बेंगलुरु कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, तो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक अम्ल के संचय होने से कारण से ये क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो जल की मात्रा अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन से होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर कि लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न की आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है, तो हीलियम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न निम्न में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जो जीवधारी है ये
प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न की बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि जब दूध से दही बनता है तो पीएच स्केल पर क्या असर पड़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब दूध से दही बनता है तो पीएच स्केल पर क्या असर पड़ता है, तो पीएच स्केल का मान घटता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे ऋण आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है इस पे धन आवेश होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न की प्राकृतिक संसाधन में कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है, तो इसमें से आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन है। ए ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है सभी। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रबल अम्ल है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, यहाँ पे प्रबल अम्ल है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है, तो मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होने लगता है तब दांतों का क्षय यानी दांत खराब होने लगते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, तो फेन उत्पलावन विधि से किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर कि सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ होता है, तो एयर कंडीशनरों में भी होता है, रेफ्रिजरेटरों में भी होता है, इंजनों में भी होता है, इनमें से सभी में होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर कि उत्तल लेंस की क्षमता होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, इसे आपको याद रखना है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो यहाँ पे देखिए वृक्क यानी जो किडनी होता है ये उत्सर्जी अंग होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर। 92 नंबर प्रश्न की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 93 नंबर। 93 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर। 94 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न है कि हीरा किसका अपरूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीरा किसका अपरूप है, तो हीरा कार्बन का अपरूप है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है, तो ओजोन परत क्या अवशोषित करता है, तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर। 97 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो एब्सिसिक हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 98 नंबर। 98 नंबर प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर। 100 नंबर प्रश्न है कि थायरोक्सिन का श्रवण कहाँ से होता है, तो थायराइड से होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोग पढ़ चुके हैं, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और जहाँ पे आप लोग कॉमेंट करते हैं, जो ये लाइव चैट चल रहा है ये नहीं, इसको जब आप लोग कट कीजिएगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब जो लिखा होता है उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो वहाँ पे फिजिक्स का यहाँ पे वीडियो का लिंक होगा, तो फिजिक्स का 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रसायन शास्त्र के भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, उसका भी लिंक है। और यहाँ पे देखिए, जीव विज्ञान के भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, तो उसका भी लिंक है। तो ये हो गया हमारा 400 ऑब्जेक्टिव, और ये 100 ऑब्जेक्टिव, कितना हो गया हमारा 500 ऑब्जेक्टिव। और इस 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग पढ़ लेंगे काफी अच्छी तरीके से, एक बार आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। अगर आप लोग एक बार रिवीजन करके जाइएगा तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आपका पेपर प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, किसी भी पाली में हो, एक बार आप लोग रिवीजन करके जाइएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए, और वहां पर जो वीडियो है उससे आपको क्या करना है, देख लेना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट में देना है कि एक स्वस्थ मनुष्य क्या, यहाँ पे देखिए प्रंकुचन और अनुशीथलन दाब होता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों को परीक्षा से डरना नहीं है, आप लोगों को इतना पढ़ा दिया गया है कि आपको डर नहीं लगेगा, ये हम बात आपको बताना भूल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, आपको परीक्षा से डरना नहीं है, बिल्कुल आपको निडर होकर परीक्षा देना है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा दिया गया है या सब्जेक्टिव प्रश्न, तो ये आपको एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप लोगों को पहला दिन है तो थोड़ा सा डर लगता है, तो आप लोग जाइएगा, उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा। और विज्ञान का पेपर है तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, पूरा अपना दम वहां पे दिखा देना है। और आपको इतना ना ज्यादा पढ़ा दिया गया है कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो आप लोग यहाँ पे हमारी तरफ से यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक है सभी।
सभी स्टूडेंट को। और यहाँ पे हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि सभी जो जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो भी पढ़ते हैं हमसे या और भी विद्यार्थी हैं, उनका यहाँ पे काफी अच्छा नंबर आए। हम सोचते हैं यहाँ पे सभी का फर्स्ट डिविजन आए, यही हमारी कामना रहेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और यहाँ पे अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो कमेंट बॉक्स में 400 नंबर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 400, उसे आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, देख के आप लोग परीक्षा देने जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और एक बात है, यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसे आपको क्या करना है कि एग्जाम जैसे होता है वैसे हमारे पास आपको क्या करना है, फोटो लिख के इस नंबर पर आपको क्या कर देना है, भेज देना है। यहाँ पे हम आपको नंबर दे देते हैं, यहाँ पे देखिए 87 89 30 और यहाँ पे 73 04, ताकि हम आपको क्या करें मिलवा सकें। तो ये आपको काफ़ी ध्यान से करना है, आप लोग पेपर दे लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका पेपर होगा तो कोड सहित आपको क्या करना है, जो कोड होगा कोड ए कोड बी कोड सी, यानी ऊपर से यानी पूरा पेपर को आपको क्या करना है, फोटो खींच के भेजना है। ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपका क्या करेंगे मिलवा देंगे। तो आपको क्या करना है कि इस नंबर पे आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको आपको क्या करना है, सेंड कर देना है। अगर आपको जो भी पेपर मिलता है वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।